न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बैरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राठ का मान। निवेदक संतोष यादव प्रधान नीम राणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2 कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन एससी एसटी एनटी एससी एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव प्रिंसिपल योगेश शर्मा नारनो रोड भगवाड़ी बहरोड। नमस्कार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड में खेली गई खून की होली। त्योहार के दिन जिला पार्षद का चुनाव लड़े संजय यादव और मुन्ना पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर उतार दिया मौत के घाट। मामला बहरोड क्षेत्र के खोरी गाँव का है जहां पर बाबा हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे में गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति कार्यक्रम दिन भर चल रहा था जिसमें गांव के सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। इसी दौरान रात्रि का भी कार्यक्रम था लेकिन कार्यक्रम से पहले ही संजय यादव उर्फ मुन्ना को गांव के ही बदमाश अजय खोरी एवं उनके साथियों द्वारा सर में 6 गोली मारी गई। इस दौरान कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। लोगों की चीख पुकार एवं दहशत के माहौल अचानक से बन गया। वहीं बदमाश वारदात को अंजाम देकर कैंपरा गाड़ी से फरार हो गई। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने मुन्ना खोरी की मर्डर की जिम्मेदारी भी ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अजय खोरी एवं उनके साथी ने जिम्मेदारी के तौर पर बताया कि किसी वक्त संजय मुन्ना खोरी हमारा भाई था लेकिन आपसी रंजिश के कारण संजय मुन्ना को मारना पड़ा। अरे भैया मजबूरी मारना पड़ेगा अपने बड़े भाई बात ठा रहे थे इसने अजय खोरी पे ये गलत है इसके लिए हमें मारना पड़े इसको मारे है हम जिम्मेदार ले रहे भाई अजय खोरी रवि वेपुर दोनों जिम्मेदार ले रहे ठीक है भाई इसके मर्डर की हमने मारे इसको इसलिए मारा गया ये मेरा भाई तो यार भाई ये किसी टाइम हमारा भाई था क्या राजनीति खेल ली इसलिए मारा गया ठीक है भाई और ये मैं इसको भाई मानता था यार गलती करना। बहरोड में इस तरह की वारदात होना कोई नई बात नहीं है। बदमाशों द्वारा खुलेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देना और जिम्मेदारी लेना पुलिस की कानून व्यवस्था पर जरूर सवालिय निशान खड़ा करता है। संजय मुन्ना जिला पार्षद का चुनाव भी लड़े थे जिसमें वे अपने प्रतिद्वंदी सुनील यादव से पराजित हुए थे। फिलहाल संजय यादव राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में लगे हुए थे। इसी बीच बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर गांव के ही कार्यक्रम के दौरान इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी संजय मुन्ना लगे हुए थे साथ ही कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बस इसी व्यस्तता का फायदा उठाकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब देखना यह होगा कि बहरोड में खून की होली की आग कब तक बुझती है। मुन्ना के समर्थकों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मोर्चरी घर में शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया जिस दौरान सूचना पाकर बहरोड डीएसपी राव आनंद एवं भिवाड़ी एसपी अनिल कुमार बेनीवाल मौके पर पहुंचे और परिजनों से वार्ता की। वहीं एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने आश्वस्त किया कि जब तक बदमाशों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक उनका कैंप बहरोड में ही रहेगा और जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़कर उनका बढ़िया इलाज किया जाएगा। कि जब तक हम इनको पकड़ नहीं लेंगे मेरा कैंप बहरोड रहेगा, बहरोड छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा आपको वादा है। मैं आप लोगों को ये आश्वासन दे रहा हूँ जब तक ये नहीं आता मैं यही कैंप कर रहा हूँ, आप लोग बेफिक्र रहे और अच्छे से इलाज होगा। वहीं परिजनों सहित बड़ी संख्या में मुन्ना के कार्यकर्ता बहरोड थाने पहुंचे जहां पर पुलिस को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया और पुलिस को वार्निंग दी कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं क्षेत्र में भी काफी भय का माहौल बना हुआ है। बहरोड में त्योहार के दिन होने वाली इस तरह की घटनाएं खुशी के माहौल को अचानक मातम में तब्दील कर देती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस द्वारा टीम गठित कर दी गई है और लगातार दबिश दी जा रही है लेकिन सोचने की बात यह है कि इस तरह के खुलेआम हत्याकांड में मर्डर की जिम्मेदारी लेना अपराध को चरम तक ले जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट आप तक नेटवर्क। टोटल किलिंग हुई है, बिल्कुल हुई है और इसका रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा, उसी हिसाब से आएगा, बिल्कुल। कब तक आ जाएगा सर?
और वर्तमान नेता था, नौजवान नेता था, उसको ही मार दिया। बिल्कुल लोगों की मदद करता था, बच्चा है उसके, पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं है। तीन साल का ये विधवा का लड़का है, इसके फादर थे बहुत, ये जब छोटा था तभी मर गए थे। खुद कह रहे हैं मैं जब यहाँ से जब उठूंगा, जब मैं आपको और तो कोई चारा नहीं है, आप चारा ये था जो उनके गैंग के हैं लड़के, दो चार में दो चार पे टाइम तो लग रहा है। इसके लिए अपने को फिर आगे की कार्रवाई। सुबह एसपी साहब से फोन पे बात हुई थी और एसपी साहब स्वयं भी आ गए, उनसे कहा कि आप स्वयं भी घटना स्थल पर आओ। लोग बाग उद्वेलित हैं, पूरा बैरोड उद्वेलित है और एसपी साहब आए और उन्होंने सब लोगों के सामने ये कहा कि भाई मैं जब तक इस का खुलासा नहीं हो जाए, खुलासा तो हुआ हुआ है, जिन्होंने मर्डर किया है वो चिन्हित हैं, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे मैं यहीं बैरोड में कैंप करूँगा। और अभी भी यही कह रहे हैं, यहीं बैठे हैं कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाए। रोड में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक जघन्य अपराध करके लोग बाग ये जो समाज कंटक हैं वो बेखौफ हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा जश्न मना रहे हैं। ये पूरे बैरोड के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत हमारे लिए सब की दुख के साथ में शर्मसार करने वाली बात है। हमारे पिछले दीपावली पे त्रिलोक पार्षद का उस टाइम कर दिया गया था, अभी होली पे होली के अवसर पर भी वो भी मंदिर में इस भाई का हत्या कर दी गई, वो भी बेरहमी से हत्या करके पास में बैठ करके। और सर वीडियो वायरल कर परिवार, सुबह भी यही बात हुई थी कि परिवार के साथ हैं हम, परिवार कहेगा कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना तो नहीं करवाएंगे, परिवार कहेगा कि दाह संस्कार नहीं करवाना तो नहीं करवाएंगे, परिवार जो चाहेगा वो करेंगे। अभी भिवाड़ी जिले के अंदर बाबा रामून का मेला चल रहा है, तो जैसे ही हमारे को पता लगा वहाँ से हम तुरंत रवाना हुए, मौके पर पहुँचे हैं और रात से हम यहीं कैंप कर रहे हैं और टीमें हमारी लगी हुई है। और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और मैं खुद यहीं कैंप करूँगा जब तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हो जाए। एक लोग जो उनके साथ आया था कैंपर में उससे पूछताछ चल रही है जी, पूरी घटना क्या हुई उसके बारे में उससे विस्तृत पूछताछ अभी हमारी चल रही है जिस तो आया गया आएगा, वक्त आएगा ये आप लोग ही देखोगे और फिर आप लोग ही बताओगे। बिल्कुल हो जाएंगे, हमारी टीमें लगी हुई है और जब तक नहीं होंगे तब तक मैं यहीं कैंप कर रहा हूँ। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भरतरी रोड बहरोड, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नौदैव, ओलंपियाड, मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, IIT नीट के अलग से बैच प्रारंभ, आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं, फैसला आपके हाथ। होटल आमबाग होटल है पर अलग सा, दिल्ली जयपुर NH 48 पनियाला मोड़ के समीप। होटल की खास पहचान ऑर्गेनिक सब्जियां जो अपने ही बाग में उगाकर ग्राहकों की सेहत का रखते हैं विशेष ध्यान। बेहतरीन लोकेशन पर बना होटल आमबाग जिसमें प्योर वेजिटेरियन, मोदी नगर की प्रसिद्ध जैन शिकंजी, शानदार लग्जरी रूम, फास्ट सर्विस एवं टावल्स का फैक्ट्री आउटलेट। इतना ही नहीं, सुप्रसिद्ध विश्वजीत थाली जो 8 लोगों के लिए है पर्याप्त, जिस पर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। होटल आमबाग में होटल इंडस्ट्री के जाने माने नाम श्री VK शर्मा जी, जिनकी मजबूत लीडरशिप, एवं संजय यादव जी जो बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिनके द्वारा हाईवे पर कई ब्रांड स्थापित किए जा चुके हैं जो आज शानदार नाम कमा रहे हैं। तो आप भी आइए और शुद्ध एवं स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए, शुद्धता और स्वच्छता ही हमारी प्राथमिकता है। आज के बुलेटिन में इतना ही, आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।